दोस्तों इस वीडियो में हम MIBR ट्रिमर के बारे में बात करने वाले हैं और Xiaomi ने मेड फॉर द मॉडर्न मैन लिखा है इस ट्रिमर के लिए। तो दोस्तों ये हमें 1200 से 1300 रुपए के आसपास मिल जाती है और दोस्तों नॉर्मल कभी कभी 1400 रुपए की भी दिखती रहती है ये, लेकिन आपको सेल वगैरह में 1200-1300 रुपए में मिल जाएगी। दोस्तों ये काफ़ी सारे फीचर्स के साथ आती है, जैसे कि आप इसकी लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं 0.5 mm से 20 mm तक और 40 लेंथ सेटिंग दोस्तों बन जाती है इसकी। और दोस्तों इसमें स्टेनलेस स्टील की ब्लेड का यूज़ किया गया है और दोस्तों Xiaomi की तरफ से 90 मिनट का बैटरी बैकअप बताया गया है। और दोस्तों हम इसे कॉर्डेड और कॉर्डलेस यूज़ कर सकते हैं, यानी हम इसे चार्जिंग के टाइम पर भी यूज़ कर सकते हैं और चार्जिंग से हटाकर तो यूज़ हम कर ही सकते हैं बैटरी के जरिए। और IPX7 वाटरप्रूफ दोस्तों इस पर रेटिंग हमें मिल जाती है। और दोस्तों इसमें ट्रेवलिंग लॉक दिया गया है जो कि ट्रेवलिंग के टाइम पर काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों अगर पैकिंग की बात करूँ तो पैकिंग हमें इस टाइप से मिल जाती है, ये मैंने MI.com से परचेज की है। दोस्तों इस ट्रिमर को मैंने काफ़ी टाइम पहले परचेज कर लिया था और बाद में मैं आपको रिव्यू देने के लिए अलग से ऑडियो रिकॉर्ड करके वीडियो बना रहा हूँ। और दोस्तों बॉक्स हमें इस टाइप से देखने को मिल जाता है, पीछे की तरफ पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है देखिए आप, और MRP 1500 रुपये लिखी गई है दोस्तों देखिए। और बाकी की इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं चाहें तो। और साइड में MIBR ट्रिमर लिखा गया है देखिए आप, और फ्रंट पर मेन 3 हाईलाइटेड फीचर दिए गए हैं देखिए आप, और इनोवेशन फॉर एवरीवन लिखा गया है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों फटाफट से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रिमर हमें किस टाइप की मिलती है। तो पैकिंग तो दोस्तों काफ़ी अच्छे से की है Xiaomi ने इस प्रोडक्ट की, और सबसे पहले हमें ये ट्रिमर देखने को मिल जाती है देखिए आप। और दोस्तों डिज़ाइन काफ़ी सॉलिड है और मेट फिनिश के साथ आती है दोस्तों देखिए आप, और इसमें हमें कॉम अटैच किया हुआ मिल जाता है देखिए आप, और एक एक्स्ट्रा कॉम भी देखने को मिलता है हमें। और दोस्तों ये जो दो कॉम है इनकी हम लेंथ 0.5 mm से 20 mm तक सेट कर सकते हैं, मतलब हम टोटल 40 एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप फुल लुक। और दोस्तों Xiaomi ने इसकी ब्लेड को सेल्फ शार्पनिंग ब्लेड बोला है, तो दिखने में तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की लग रही है ब्लेड्स भी, और आगे मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ सारी इन्फॉर्मेशन। और दोस्तों हमें डाटा केबल देखने को मिल जाती है जिसकी क्वालिटी ठीक है, अच्छी है। और दोस्तों ये USB 2 माइक्रो USB डाटा केबल नहीं है, तो आपको इसे संभाल कर रखना पड़ेगा। अगर दोस्तों USB 2 माइक्रो USB होती तो काफ़ी अच्छा होता, हमें इसे अलग से कैरी नहीं करना पड़ता। अभी Xiaomi की दोस्तों जो नई ट्रिमर आई है 1C 1000 रुपये वाली, उसमें दोस्तों हमें माइक्रो USB केबल देखने को मिल जाती है और माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिलता है, तो काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। उसमें हमें दोस्तों काफ़ी आसानी होती है चार्जिंग करने में, कहीं भी हमें अलग से केबल कैरी नहीं करना पड़ता। और दोस्तों हमें एक कॉम्बो देखने को मिल जाता है और हमें एक कैरिंग पाउच देखने को मिलता है जिसकी क्वालिटी अच्छी है, और ब्रश देखने को मिलता है जिससे हम इसे क्लीन कर सकते हैं। और दोस्तों आप इसे वॉश भी कर सकते हैं ऊपर वाले भाग से, लेकिन दोस्तों आप इसे पूरा ना भी गोएं, ऊपर ऊपर के हिस्से से भी गोएं, बल्कि दोस्तों मैं तो आपसे ये कहता हूँ कि इसकी ब्लेड को खोल कर आप ब्लेड वाले भाग को पूरा धो सकते हैं, बाकी आप ट्रिमर वाले भाग को दोस्तों ब्रश से ही साफ कर ले तो अच्छा होगा, क्योंकि अधिकतर दोस्तों जो छोटे छोटे बाल के टुकड़े होते हैं वो ब्लेड में ही जाकर जमते हैं, तो ब्लेड को ही आप अच्छे से खोल कर धो लें और ट्रिमर को धोने से बचें। और दोस्तों जैसा कि इसमें USB चार्जिंग इनपुट दिया गया है 5V 2A का, लेकिन दोस्तों 3 वाट ही कंज्यूम करती है, तो आप इसमें पावर बैंक वगैरह भी अटैच कर सकते हैं इस तरीके से देख सकते हैं आप, और किसी भी चार्जर से तो आप अटैच कर ही सकते हैं किसी भी USB वाले चार्जर से, तो ये काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी अच्छा फीचर है। और दोस्तों बॉक्स में हमें टोटल सारी एसेसरीज देखने को मिल जाती है, पाउच, माइक्रो USB डाटा केबल, ब्रश और दो कॉम्ब हमें देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों इस ट्रिमर को मैंने 8 से 9 महीने से ज़्यादा यूज कर लिया है और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है इस ट्रिमर के साथ। दोस्तों इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर दिए गए हैं Xiaomi की तरफ से, लेकिन दोस्तों इसका माइनस पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। इसमें दोस्तों आप अगर हेयर कट करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने वाली है, क्योंकि दोस्तों जब हम हेयर कट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बाल ट्रिमर की ब्लेड और कॉम्ब में फंस जाते हैं, तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है और आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है, और दोस्तों आपको उन्हें बार बार साफ करना पड़ेगा, तो आपके लिए एक मुसीबत टाइप बन जाएगा। तो आप अगर हेयर कट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। और दोस्तों जो इसका एक कॉम्ब है ये भी दोस्तों दिक्कत करता है, मतलब मेरे केस में तो दोस्तों ये हुआ कि ये कॉम्ब 8 से 10 दिन बाद ही ऑटोमेटिक घूमना बंद हो चुका था और ये घूम नहीं रहा था, जैसे ही मैं इसको राउंड शेप में घुमा रहा था तो ये घूम नहीं रहा था, रिटर्न पॉलिसी दोस्तों आउट हो गई थी, उसके बाद इसमें प्रॉब्लम आने लगी थी। दोस्तों कॉम्ब फुल लेंथ सेटिंग में मुझसे पाउच में रखने में आ गया था और वो दब गया था और उस वजह से उसमें प्रॉब्लम हो गई थी और वो इसके एडजस्टेबल बटन से घूम नहीं पा रहा था, तो दोस्तों कॉम्ब में प्रॉब्लम हो रही थी और मुझे इसके एडजस्टेबल बटन को हाथ से घुमा घुमा कर कॉम्ब को ऊपर से पकड़ कर खींच कर और वापस एडजस्ट करना पड़ रहा था, तो दोस्तों उसका ऑटोमेटिक फंक्शन तो काम करना 10 दिन बाद ही बंद हो गया था मेरे केस में। और दोस्तों हमारे पास एक और ट्रिमर थी MI की, जो कि हमने अभी 3-4 महीने पहले दोबारा परचेज की थी इसके फीचर्स की नीड को देखते हुए। दोस्तों मेरे फ्रेंड के पास थी, उसका भी वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ फास्ट फॉरवर्ड में देखिए आप। तो
इस ट्रिमर में दोस्तों ऐसा कुछ हमें प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली, काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है। लेकिन दोस्तों मेरा जो फ्रेंड इसे यूज कर रहा है उसने भी मुझे इसमें जो ये हेयर कट वाली प्रॉब्लम है उसके बारे में बताया। और दोस्तों इसकी जो शार्प ब्लेड है वो सॉफ्ट स्किन पर थोड़ी प्रॉब्लम करती है और थोड़ी हीट भी होती है, तो दोस्तों आप ये ध्यान रखें। बाकी दोस्तों इस ट्रिमर के साथ हमें कोई ज़्यादा खास बड़ी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। बैटरी बैकअप दोस्तों हमें इसका काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, 90 मिनट दोस्तों कंपनी ने क्लेम किए हैं, लेकिन आपको आराम से 1 घंटे से ज़्यादा का देखने को मिलता है। काफ़ी अच्छे से यूज़ करने पर भी काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप है 1 घंटे का दोस्तों मेरे हिसाब से। और दोस्तों इसका चार्जिंग टाइम 1.5 से 2 घंटे के बीच का है, 1.5 से 2 घंटे के बीच में फुल चार्ज हो जाएगी दोस्तों। और दोस्तों नीचे की तरफ इसमें 3 जो इंडिकेटर दिए गए हैं इससे आप बैटरी लाइफ का आइडिया लगा सकते हैं। और दोस्तों इसमें जो ट्रेवल सेफ्टी फीचर दिया गया है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। आप इसके बटन को 3 सेकंड से ज़्यादा प्रेस करते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाता है, और अगर आपसे गलती से इसका बटन प्रेस हो जाता है तो ये ऑन नहीं होती है दोस्तों उसमें। और दोस्तों वापस से ट्रेवल सेफ्टी फीचर को अनलॉक करने के लिए आपको वापस से बटन को प्रेस करना होगा 3 सेकंड से ज़्यादा के लिए, तो ट्रेवल सेफ्टी फीचर अनलॉक हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा फीचर है दोस्तों ये। और डिज़ाइन और बिल्ड तो दोस्तों काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ड्यूरेबल डिज़ाइन है दोस्तों, काफ़ी ड्यूरेबल बिल्ड है दोस्तों इसकी ट्रिमर की मेरे पर्सनल यूजेज के हिसाब से। और दोस्तों मुझे दोनों ट्रिमर्स में कोई खास दिक्कत देखने को नहीं मिली। और अभी दोस्तों जो MIBA ट्रिमर 1C नाम से जो मॉडल आया है 1000 रुपये वाला, जो कि 1000 रुपये के बजट में हमें देखने को मिलता है, तो दोस्तों वो भी काफ़ी अच्छी ट्रिमर है। और दोस्तों थोड़ी सी हमें डिज़ाइन चेंज और थोड़े से फीचर वगैरह दोस्तों उसमें कम मिलते हैं इससे, तो आप अपने बजट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। आप दोस्तों इंडिपेंडेंट कंज्यूमर है, और दोस्तों आप चाहें तो फिलिप्स की ट्रिमर भी खरीद सकते हैं अगर आपको फिलिप्स की कम्फर्ट लगती है ब्लेड वगैरह। फीचर तो दोस्तों आपको Xiaomi के ही पसंद आएंगे फॉर द प्राइस। दोस्तों MIBA ट्रिमर्स जिस प्राइस रेंज में आती है इस प्राइस रेंज के मुकाबले आपको अदर कंपनीज में फीचर देखने को नहीं मिलते हैं ये वाले जो आपको MIBA ट्रिमर प्रोवाइड करवा रही है। तो दोस्तों आपको अदर ब्रांड्स में ब्लेड ओवरऑल डिजाइन क्वालिटी तो अच्छी मिल सकती है, लेकिन फीचर्स वगैरह तो दोस्तों आपको कम ही देखने को मिलेंगे। दोस्तों आप इंडिपेंडेंट कंज्यूमर हैं, आप अपनी नीड के हिसाब से प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, जरूरी नहीं आप यही प्रोडक्ट परचेज करें। आपको जो ब्रांड अच्छा लगता है, जिसकी सर्विस आपको अच्छी लगती है और जिसका आपको अच्छे से एक्सपीरियंस है, जिस पर आपको ट्रस्ट है, तो आप दोस्तों वही ब्रांड परचेज करें। बाकी इस ट्रिमर के बारे में मैंने आपको अपना फीडबैक दे दिया है और अपना फाइनल ओपिनियन दे दिया है। दोस्तों आप इस MIBA ट्रिमर को 1200 से 1300 रुपये के बीच में सेल वगैरह में परचेज कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छे फीचर मिलेंगे। और दोस्तों ये आपके लिए वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट भी साबित होगा और लॉन्ग यूजेज में आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों इसमें, मेरे पर्सनल यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से। और ट्रेवलिंग और केयरिंग में भी दोस्तों आपको कोई ज़्यादा खास दिक्कत नहीं होने वाली है इस ट्रिमर से। तो दोस्तों मेरा यही कहना था इस ट्रिमर के बारे में। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन भी चेक करें। और फाइनली आपको दोस्तों कोई सवाल और सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।